Now coming to question number 3. Find the square root of the following decimal numbers. Question में कहा गया है decimal numbers का हमें square root निकालना है. देखिए decimal number का square root समझने से पहले आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए. जैसे कि हमारा question है 47.96 और हमें इसका square root निकालना है. तो जो ये वाला पार्ट होता है इसको हम इंटीग्रल पार्ट कहते हैं और जो ये वाला पार्ट है इसको हम डेसिमल पार्ट कहते हैं. जब भी हम डेसिमल वाले लॉन्ग डिवीजन करते हैं तो जो इंटीग्रल पार्ट है उसके ऊपर बार राइट हैंड साइड से लगते हैं, जैसे कि इस तरीके से. और जब भी हम डेसिमल के राइट हैंड साइड वाला देखते हैं तो उसमें हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से बार लगना स्टार्ट होता है. आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और इजीली समझ में आएगा. हमारा फर्स्ट पार्ट है 2.56 और ये हमें किस मेथड से करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से. सो 2.56, देखिए मैंने बोला था कि पॉइंट के जो उस साइड होगा उसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड से बार लगाने हैं. सो लेफ्ट हैंड साइड से ये एक पेयर बन गया और इंटीग्रल पार्ट का ये एक पेयर बन गया. नाउ आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई ऐसा नंबर पुट करना है जो 2 के इक्वल हो या 2 से कम हो. जो हमारा 1 का स्क्वायर होगा वो आएगा 1 और जो हमारा 2 का स्क्वायर आएगा वो आएगा 4. 4 तो 2 से बड़ा हो जाएगा इसलिए हम ये नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे 1. सो हम यहाँ पे भी 1 पुट कर देते हैं और यहाँ पे भी 1 × 1 = 1. नाउ इसको माइनस कर देते हैं, 2 में से 1 जाएंगे तो क्या बचेंगे 1. जो डेसिमल पार्ट का पेयर है उसको हम नीचे ले आएंगे, दैट इज 56. और यहाँ पे हमें 1 को क्या करना रहता है, एड. 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा. नाउ अब आप इसकी लास्ट डिजिट देख लीजिए, लास्ट डिजिट क्या है 6. तो हमें ऐसे स्क्वायर देखने हैं जिसकी लास्ट में 6 आए, जैसे कि 4 का स्क्वायर, 4 × 4 = 16 होता है. और 6 का स्क्वायर, 6 × 6 = 36 होता है. सो सबसे पहले हम 4 पुट करके देखते हैं. सो 2 4 × 4, 4 × 4 = क्या होगा 16, 4 × 2 = 8 और 1 = 9, देन 26 × 6, 6 × 6 = 36, 6 × 2 = 12 और 3 = 15. मतलब हमें कौन सा नंबर पुट करना है 6. तो यहाँ पे भी हम क्या लिख पुट कर लेते हैं 6. तो आ जाएगा हमारा 156. 156 में से 156 को माइनस करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा. सो 2.56 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1.6. नाउ कमिंग टू पार्ट सेकंड, 7.29. सो सेम चीज हम इसमें भी अप्लाई करेंगे. सबसे पहले हमें क्या करना है, बार पुट करने हैं. देन यहाँ पे क्या डिजिट है 7. हमें ऐसा स्क्वायर नंबर लेना है जो 7 से कम हो या 7 के इक्वल हो. 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9. तो हम 9 नहीं लेंगे क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा, तो हमें क्या लेना है 4. सो यहाँ पे भी आप 2 लिखिए और यहाँ पे भी 2, 2 × 2 = 4. नाउ 7 में से 4 को हमें क्या करना है माइनस, 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3. नाउ जो हमारा नेक्स्ट पेयर है आप उसको नीचे ले आइए, दैट इज 29. और यहाँ पे क्या करना है आपको 2 में 2 को ऐड करना है. सो 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4. अब आपको इसकी लास्ट डिजिट देखनी है, लास्ट डिजिट क्या है हमारी 9. और 9 किस किस के स्क्वायर के लास्ट में आता है, एक तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और एक 7 का स्क्वायर होता है
49। नाउ सबसे पहले हम 3 पुट करते हैं, 43 × 3, 3 3s are 9 एंड 3 4s are 12। देन अब हम 7 पुट करके देखते हैं, सो 47 × 7, 7 7s are 49, 7 4s are 28 और 4 32। तो हमें क्या पुट करना है, 7। सो यहाँ पे भी आप 7 पुट कर दीजिए और ऊपर भी डेसिमल 7। सो 47 × 7 कितना हो जाएगा, 329। अब आप 329 में से 329 को डिडक्ट कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 0। सो हमारा 7.29 का रूट क्या होगा, 2.7। नाउ कमिंग टू पार्ट 3, 51.84। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बार पुट करते हैं। नाउ यहाँ पे हमारा फर्स्ट पेयर क्या है, 51। तो हमें ऐसा स्क्वायर देखना है जो 51 के इक्वल हो या 51 से कम हो। तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो 64 51 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। हम किसको लेंगे, 7 के स्क्वायर को। यहाँ पे आप 7 लिख लीजिए और यहाँ पे भी 7। 7 7s कितना होगा हमारा, 49। नाउ 51 में से 49 को क्या करेंगे हम, डिडक्ट। 11 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे, 2, और 4 में से 4 जाएंगे तो 0। अब हम सेकंड वाला पेयर नीचे लिख लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में हमें 7 को क्या करना है, ऐड करना है। सो 7 और 7 कितने हो जाएंगे, 14। नाउ आप इसकी लास्ट डिजिट देख लीजिए, लास्ट डिजिट क्या है, 4। और 4 किस किस के स्क्वायर के लास्ट में आती है, एक तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और एक 8 का स्क्वायर होता है 64। नाउ सबसे पहले हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 142 × 2। सो 2 2s are 4, 2 4s are 8 एंड 2 1s are 2। हमें भी क्या चाहिए था, 284। सो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, डेसिमल 2। हमारा कितना आ जाएगा, 284। और 284 में से 284 को हमें क्या करना है, डिडक्ट। सो हमारा यहाँ आ जाएगा 0। तो हमारा स्क्वायर रूट क्या होगा 51.84 का, दैट इज 7.2। नाउ कमिंग टू पार्ट 4, 42.25। सबसे पहले हमें क्या करना है, पेयर्स बनाने हैं, 1 पेयर एंड 2nd पेयर। अब आपका फर्स्ट पेयर क्या है, 42। तो हमें कैसा स्क्वायर देखना है, या तो वो 42 के इक्वल हो या वो 42 से कम हो। 6 का स्क्वायर होता है 36 और 7 का स्क्वायर होता है 49। सो हमें चाहिए क्या, 42। 42 किसी का स्क्वायर नहीं होता है और 49 उससे ज्यादा हो जाएगा। सो 49 हम नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, 36। सो 6 6 6 6 36। नाउ 12 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6, और 3 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 0। अब आप सेकंड वाला पेयर भी नीचे ले आइए, दैट इज 25। और यहाँ पे हमें क्या करना है, 6 को ऐड करना है। 6 और 6 कितने हो जाएंगे, 12। और यहाँ पे डेसिमल लगा दीजिए। नाउ अब आप इसका लास्ट नंबर देखिए, लास्ट नंबर क्या है, 5। और 5 किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है, सिर्फ 5 के स्क्वायर में। तो अब हम 5 की वैल्यू 5 पुट करके देखते हैं, सो 125 × 5, 5 5s are 25, 5 2s are 10 or 2 12, 5 1s are 5 or 1 6। तो हमारा आ गया 625। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5, और यहाँ पे भी 5। तो हमारा आ जाएगा 625। और 625 में से हम 625 को डिडक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा
जीरो। सो 4 2.25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 6.5। नाउ कमिंग टू पार्ट 5, 31.36। सबसे पहले हम बार्स पुट कर लेते हैं। नाउ जो हमारा फर्स्ट पेयर है वो क्या है? 31। तो हमें कैसा स्क्वायर देखना है? जो 31 हो या 31 से कम हो। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। और 6 का स्क्वायर होता है 36। सो 36 तो हमारा बड़ा हो जाएगा। सो हम 36 ना लेके क्या लेंगे? 25। सो 5 5 और यहाँ पे आ जाएगा 25। नाउ 31 में से 25 को डिडक्ट कर दीजिए, 11 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 6। और सेकेंड वाले पेयर को आप नीचे ले आइए, दैट इज 36। और यहाँ पे आपको क्या करना है? 5 को ऐड करना है। 5 और 5 कितने हो जाएंगे? 10। नाउ आप यहाँ पे डेसिमल पुट कर दीजिए। अब हम लास्ट डिजिट देख लेते हैं। लास्ट डिजिट क्या है? 6। तो हमें ऐसा स्क्वायर नंबर देखना है जिसकी लास्ट में 6 आए। तो 6 किस किस के लास्ट में आता है? एक तो 4 का स्क्वायर होता है 16, देन 6 का स्क्वायर होता है 36। सो सबसे पहले हम 4 पुट करके देखते हैं। सो 104 इंटू 4, 4 जा 16, 4 वन जा 4। नाउ हम 6 पुट करते हैं, 106 इंटू 6, 6 जा 36 एंड 6 वन जा 6। हमें क्या चाहिए था? 636। सो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे? 6। तो हमारा आ जाएगा 636। और 636 में से हम 636 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0। सो 31.36 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 5.6।